राम राम भाइयों। हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम अपने गौ माता के लिए हरा चारा लेके जा रहे हैं। जो भी हमें रास्ते में गौ माता मिलेगी उसको हम ये हरा चारा देंगे। ये हरा चारा हम दोस्तों हम उन गायों के लिए ले जा रहे हैं जो रास्ते में रोड पे रोड साइड में पोलिथीन वगैरह खाती है, हम उनके लिए हरा चारा डालेंगे ताकि उनका पेट भर सके। तो आइए दोस्तों आपसे मिलते आ रहे हैं। थोड़ी दूर चले थे, पहले हमें दो गाय मिली, अब देखिए हमें कितनी सारी गाय मिली। आप देख सकते हैं हमारी गौ माता कितनी बेबस है, किस तरह इन्हें फिर कूड़ा खाकर अपना दिन गुजारना पड़ता है। अगर दोस्तों हम मदद करने के लिए निकलते हैं तो हमें कदम कदम पे मदद करने का मौका मिलता है, चाहे वो जीव हो या इंसान हो। हमारे दोस्तों खाना खिलाते हैं। दोस्तों जो असली आत्मा की खुशी होती है ना वो यही है, इन जीवों का पेट भर के। मेरे लिए मंदिर मस्जिद सब चीज यही है, इनकी इनकी पूजा इनकी सेवा मेरे लिए सब। कहने का मतलब ये है अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी मिले ना तो प्लीज एक दिन खाना खिला के देखो किसी गरीब को, किसी उनके जीव को, जो अंदर से खुशी मिलेगी ना वो असली खुशी। बस आपसे यही कहना था। देखिए दोस्तों ये है पुणे का किले और ये है हमारी गौ माता। ये गौ माता जिसे हम देवी का अवतार मानते हैं, ये वो गौ माता है जिसे हम माँ का अवतार बताते हैं, ये वो गौ माता है जिसे श्री कृष्ण जी पूजा करते थे, जिसे हम हर त्योहार पे जिसकी हम पूजा करते हैं, ये देवी का अवतार है। और देखिए किस तरह ये कूड़ा खाने को मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम है। दोस्तों पहले एक गाय कई परिवार का पेट भर देती थी, लेकिन आज कई परिवार मिलकर एक गाय का पेट नहीं भरता। देखिए किस तरह ये कूड़ा खाने के लिए, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम इंसान हैं और कोई नहीं। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 60 से 70 गाय है जो कूड़ा खा रही है, और ये बहुत गलत है मेरी नजर में और आप लोगों की नजर में। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, अपने घर की पहली रोटी हमारी गौ माता के लिए बनाए, अपनी गौ माता के लिए बनाए, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इस मुसीबत से लड़ सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं। It's caught in the crossfire.